सो हे गाइस, मैं हूँ चौर्य सत्यार्थ एंड गॉड ऑफ वॉर गेम किसे नहीं पसंद, उसकी स्टोरी, कॉम्बैट एंड ऑफ कोर्स क्रेटोस के लिए। और क्रेटोस भी हमें बहुत सारी वजहों से पसंद है, उसका ब्रूटल एटीट्यूड, उसका गुस्सा, और क्रेटोस को कोई पसंद नहीं करता। क्रेटोस की दुश्मनी लगभग हर गॉड से है। बट गाइस, कभी आपने ये सोचा है कि डांटे जैसा कैरेक्टर अगर गॉड ऑफ वॉर में आ जाए और क्रेटोस से स्विच कर ले तो रिजल्ट क्या होगा? गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी, उसके बिग मोमेंट्स किस तरह बदलेंगे? सो गाइस, इस वीडियो में हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं। हम क्रेटोस की जगह डांटे को स्विच करेंगे और उन बिग मोमेंट्स को देखेंगे जहाँ पे अगर डांटे हुआ होता तो पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाती। और गाइस, ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ फन पर्पस के लिए है, ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा, नहीं तो ना क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर कराएगा और ना डांटे डेविल मे कराएगा। लोल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, मान लीजिए किसी भी तरह मुश्किल से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए एक डीमन यानी डांटे गॉड बन जाए और गॉड ऑफ वॉर की जगह ले ले, यानी क्रेटोस से स्विच हो जाए, तो जो सबसे पहली चीज होगी वो है सिविल वॉर। यप, सिविल वॉर। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो डांटे एक डीमन है और एक डीमन को गॉड कैसे बना दिया? अब यहाँ पे आप ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में ये ना पूछिएगा कि भाई हाँ बताओ कैसे बना गॉड। मान लो बन गया कैसे भी, तो सबसे पहली चीज होगी सिविल वॉर। अब डांटे ऐसे खुद तो गॉड नहीं बन गया कि हाँ मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ, उसको किसी ना किसी ने तो सपोर्ट किया होगा और उस थ्रोन पर बिठाया होगा। किसी ना किसी गॉड के अथॉरिटी से ही डांटे गॉड ऑफ वॉर बना होगा। फॉर एग्जाम्पल एथीना, क्या पता उसी ने डांटे को गॉड बना दिया। तो एथीना एंड गॉड ऑफ वॉर एंड कुछ सपोर्टिंग गॉड्स की आर्मी उन गॉड से लड़ेंगे जो इसके अगेंस्ट होंगे कि डांटे एक डीमन गॉड ऑफ वॉर नहीं बनना चाहिए। तो होगी सिविल वॉर, एक नई स्टोरी क्रिएटेड। वाह, अलग ही लड़ाई चल रही है, अपने अपने को मारने में सब लगे हुए हैं। लड़ाई खत्म, गेम खत्म, रेटिंग 0.1। ऑलराइट, डांटे अगर गॉड ऑफ वॉर होता तो दूसरी चीज जो होती वो होती कि डांटे कभी बारबेरियन से हारता ही नहीं, क्योंकि डांटे बचपन से ही इतना ताकतवर था कि उसकी चीख से वो अपना घर उड़ा सकता है। सो जब क्रेटोस हारा था तब वो एक नॉर्मल ह्यूमन था, तो ऑफकोर्स उसका हारना बनता है। लेकिन डांटे ना, वो कैसे हार जाएगा? वो बारबेरियन किंग को आराम से मार देता और एरीज से कभी हेल्प नहीं मांगता, उसके पास ब्लेड ऑफ क्योस नहीं आता, यानी नो ब्लेड ऑफ क्योस, नो एरीज, नो गुलामी, नो फैमिली डेथ, नो ओथ ब्रेकिंग, नो एरीज से लड़ाई, नो ज्यूस से लड़ाई, यानी नो गॉड ऑफ वॉर। ओह शिट, इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट को हटाओ। जो तीसरी चीज होती वो ये होती कि आधे गॉड अलाइव होते हैं एटलीस्ट, तो मतलब जो डांटे के सपोर्ट में थे ऑफ कोर्स वो तो अलाइव होते ही होते, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं क्रेटोस ज्यादा ब्रूटल था और वो बिल्कुल भी मर्सी नहीं करता था। बट डांटे ऐसा नहीं है। डांटे अगर किसी नॉन डेविल या नॉन डीमन को मारे, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, वो 100 बार सोचता है किसी ह्यूमन को मारने के लिए, और ये तो फिर भी गॉड्स हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन होगा जब डांटे किसी को मारेगा। सो ऑफ कोर्स जो कांड क्रेटोस ने किया था वो डांटे नहीं करेगा। सो अभी भी ओलंपस हंसी खुशी चल रहा है और चलता रहेगा। The end, rating 0.1। जो चौथी चीज हो सकती थी अगर डांटे क्रेटोस की जगह होता वो ये थी कि डांटे कोलोसस से कभी डैमेज नहीं लेता। मतलब जहाँ क्रेटोस के अनप्रेजेंस माइंड से कोलोसस ने क्रेटोस को बहुत चोट पहुंचा दिया था, फिर ज्यूस ने क्रेटोस को मारा और फिर हेल में गया, और वही स्टोरी गॉड ऑफ वॉर 2 की। लेकिन अगर यहाँ डांटे होता तो कोलोसस का हाथ कभी डांटे के ऊपर गिरता ही नहीं, ज्यूस कभी डांटे को मारता ही नहीं, डांटे कभी हेल में जाता नहीं, गाया से मिलता नहीं, और क्या पता डांटे ज्यूस को ऑन द स्पॉट मारा था। ले फिर से ज्यूस की बेइज्जती। द एंड, रेटिंग्स -0.1। जो फिफ्थ चीज हो सकती थी वो ये होती कि डांटे ग्रेव डिगर से बात करने के बाद, यानी उसकी स्टूपिड और ना समझी वाली बातें सुनने के बाद, शायद डांटे उस ग्रेव डिगर में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढता और उसको खाद से उसी वक्त मार देता, वो भी उसका सर अलग करता, ऐसे वैसे नहीं मारता। मतलब आगे जाके शायद वो एरीज से मर जाता और वो हेल्थ कहीं वापस नहीं आ पाता। ले भाई, डांटे मर गया। मतलब फिर से गेम खत्म, गॉड और फ्रेंचाइज बंद एंड रेटिंग्स -5। और हाँ गाइज, एक और चीज हो सकती थी और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि गॉड ओवर 4 में एटलीस्ट ब्लेड ऑफ ओलंपस अपीयर होता और डांटे के पास रहता। यप, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डांटे की आदत है कि वो किसी भी एनिमी को मार के उसका वेपन तो रखेगा ही रखेगा, अगर नहीं रखेगा तो उसको रात को नींद कैसे आएगी, इसलिए वो ब्लेड ऑफ ओलंपस जैसे मस्त वेपन को ऐसे थोड़ा ना खो देता। और सबसे बड़ी बात, डांटे को अपनी जिंदगी से प्यार है भाई, वो अपने आप को नहीं मारता। क्यों मारता? क्योंकि जैसा हम जानते हैं वो बारबेरियन से नहीं हारता है, नो बारबेरियन, नो एरिस की गुलामी, नो ब्लेड ऑफ क्योस, नो फैमिली डेथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डांटे को रिग्रेट ही नहीं होता और डांटे अपने आप को नहीं मारता, ब्लेड ऑफ क्योस गॉड ऑफ 4 में रहता। रेटिंग्स -10। जो 7 चीज हो सकती है वो ये होती कि गॉड ऑफ 4 में डांटे एक झोपड़पट्टी में नहीं रहता, वो एक कम से कम अच्छा घर तो ले ही लेता अपने और अपने बेटे के लिए और उस वाइफ के लिए जो अब तो मर चुकी है पर पहले तो थी, तो वो एक झोपड़पट्टी में नहीं गुजारता जिसमें शायद एक ही कमरा था, तो नो प्राइवेसी एंड नो समझ जाओ। सो मैं क्या कह रहा था कि वो अपने लिए एक अच्छा घर लेता और उसमें आराम से रहता। क्यों? सही है ना?
झोपड़पट्टी में रहने से तो सही है। और हाँ, गॉड वॉर 4 के एंड में जब लास्ट में माउंटेन के टॉप से एट्रेस अपनी माँ की अस्थियों को उड़ा रहा था, तब डांटे को ये पता चल जाता कि एट्रेस असल में लोकी है और वो हाफ जायंट है। तो शायद ये सुनने के बाद डांटे उसी वक्त लोकी को उस पहाड़ से फेंक देता। कौन रिस्क ले भाई, क्या पता आगे क्या हो जाए, एक तो जायंट है ऊपर से लोकी। जस्ट किडिंग, ये वाला जोक था, इसे सीरियसली नहीं लेना। चलिए सोचते हैं और क्या क्या हो सकता था। हाँ, इस गेम का नाम गॉड ओवर नहीं होता, डेविल मे क्राई होता, लोल। मतलब गाइज, हमें ये सीखने को मिला कि जो कैरेक्टर जिस गेम का है वो उसी में सेट है, क्योंकि अगर डांटे गॉड ओवर में आएगा तो ना वो गॉड ओवर रहेगा ना डेविल मे क्राई रहेगा। और जैसे कि हमने देखा, रेटिंग्स माइनस में जा सकती है, जैसे -5, -10 या फिर फ्रेंचाइजी बंद हो जाए। कौन जाने। सो गाइज, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि हम ये फाइंड आउट कर पाए कि अगर डांटे क्रेटो से स्विच कर ले तो क्या होगा। बस इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई और हमें रिजल्ट मिल चुका है। क्रेटो सही है भाई अपनी जगह पे, और डांटे डेविल मे क्राई में सही है। और सबसे बड़ी बात, उस जमाने में डांटे के पास इबोनी एंड आइवरी भी नहीं होती, तो डांटे लास्ट में जैकपॉट कैसे कहता। सो इसलिए डांटे डेविल मे क्राई में सही है और क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर में। सो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उस रेड कलर के बटन को जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा उसको स्विच करके ऐसे से ऐसा बना दें। मैं होप करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आप मेरी बात समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो जस्ट किडिंग। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।